उनके साइड इफेक्ट। सो सीनियर लोगों को दवा तोल मोल के खानी चाहिए, स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। कहने को तो डिप्रेशन दूर करती है पर दिमाग की एक्टिविटी तो मध्यम कर देती है। ऐसे ही एंटी कॉलिनर्जिक कुछ दवाएं होती हैं जो स्टिफनेस कम करती हैं, पार्किंसन में देते हैं, कंपन बाय में देते हैं, वो भी दिमाग की एक्टिविटी को कम कर देती है। ऐसे ही नींद की दवाएं बेंजोडाइजपीन्स, एलप्रेक्स, ट्राइका, एंग्जीसेड, जितनी भी नींद की दवाइयां हैं ये भी माइंड की एक्टिविटी को डल कर उससे डिमेंशिया होने का चांस हो जाता है। केयर होम में हमने यहाँ बहुत सारे अटेंडेंट्स जो दुबई में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको बताया कि आपके पेरेंट पिछले 3 महीने से एक ही पेपर फॉलो कर रहे हैं जब आप इनको यहाँ रख के गए थे, वही नींद की दवा, वही डोज दवा 3 साल से चल रही है और आप कहते हो कि इनका प्रिस्क्रिप्शन वहां का है, दिल्ली का है, वहां का है, यही चलने दो। इट इज हैजार्डस। बेहतर है या तो 6 मंथली हम उनका एग्जामिनेशन करवाएं या आप आगे करवाओ, क्योंकि समय के साथ ये सारी दवाइयां जो माइंड को डल करती हैं इनको कम करना चाहिए। इनमें एक और चौथी दवा है जिसको कहते हैं मिर्गी की दवा, एंटीलेप्टिक्स, एप्सोलिन, फेनिटोइन, बेंजोडाइपी, वेलप्रोइक एसिड। मैं आपको नाम नहीं गिनाना चाहता पर कुछ लोग जिनको ब्रेन अटैक हो जाता है उनको अटैक की जो दवा चल रही होती है वो माइंड को डल करती है। अब प्रश्न आता है आपके टांस के ऊपर कि कुछ ऐसा तो बताओ कि ये जो कम हो गया है इसको एक्टिवेट कैसे करें। सो डांसिंग इज वन एक्टिविटी विच कैन रिवर्ट बैक, which can sustain the mind decay. अब डांसिंग में जरूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया बैले डांसर हो, बहुत बढ़िया स्टेप मिल रहे हो। The question is, you should be ready by mind and the body will follow. तो अब आपकी क्लास पे आ जाते हैं, जो आप डांस सीख रही हैं या अभी तक सीखा है, आधे हो जाए या 2 हो जाए मुझे थोड़े वॉलेंटियरों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन डांस आई आई है जिन साहब, मैं आपके डांस को ना मेडिकल वाला डांस बना दूंगा। जिसमें जी और जी आपको बहुत जरूरत है इतनी दवाइयां खाते हो। अब आप लोग ऐसा नहीं है कि आप दर्शक बन के देखेंगे, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, ये कुछ स्टेप करवाएंगे और आप बड़े आसान आसान से सीनियर सिटीजन वाले आप करवाइएगा, मैं भी आपके साथ करूंगा जी। आप इंस्ट्रक्टर है, आप इनको डांस करवाइए। गाना चला दे। हाँ चलाओ ना। अरे वाह वाह, वेरी गुड। जो आप तांडव की पूछ रहे थे, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि तांडव डांस इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक पाथ पर कभी नहीं घूमता, ऐसे ही तांडव में होने वाले जो पोजेज होते हैं कभी भी तैयार नहीं है। कौन सा गाना लगा रहे हो, सावन के झूले पड़े? नहीं नहीं, अभी आप देखो सबको आता भी है करना, सबको आता है करना। गुड गुड गुड। अच्छा करिए अरे इतने सारे सुंदरिया तो उधर गई। आप बता रहे क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं ये करो सर, पहले तो पूरा कर लीजिए। डू द जॉयफुल एक्टिविटी। मैं तो आपको कॉपी कट कर रहा हूँ बस। मैं इधर आया था, इधर ऐसे कीजिए अंधे आगे मिर्ची की तरह नहीं करना मेरे पर भी दूसरा स्टॉप। Thank you.
आपकी बॉडी में कैटक वाला मेंस कॉर्टिजोल ज्यादा बन गए। एक बीमारी होती है जो 75 के बाद डिमेंशिया का भाई बहन है, सैडनेस की बीमारी, उदास रहना ही अच्छा लगता जब दिल ही टूट गया नहीं, दिल टूटने वाली उदासी अलग होती है, इस समय लगता है व्यक्ति को इट इज माई पार्ट, इट इज माई फेट, आई हैव सीन एवरीथिंग, जबकि सच्चाई ये है कि एट 70 और 60 और 80 इट इज नथिंग बट ए प्रिपरेटरी लीव फॉर नेक्स्ट बर्थ, ए न्यू बर्थ, ए ब्रांड न्यू बॉडी। केवल सोचने का ही नजरिया है ना। सो हार्मोनली बाय प्रोड्यूसिंग मोर कॉर्टिजोल, मोर एड्रेनालिन, मोर एपिनेफ्रिन, यू विल रिक्वायर लेस डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, यू विल रिक्वायर लेस डोज ऑफ एंटी एंजाइटी। और जब इतने लोग ग्रुप बना के नाचते हैं एक दूसरे का चेहरा देख के, मिस यूनिवर्स को बीट कर रहे थे हम लोग अगर मानो तो दर्द तो सबके पास है, तकलीफों से तो सभी निकले हैं, पकी हुई रोटी जो भी है वो भट्टी में तो जल के आई ही है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा हम बात कर रहे थे कि तुम्हारी एज क्या है, 50, 60, 70। हाँ, तो हमने एक कानून बनाया था अपने इनसाइड कि कोई किसी की एज नहीं पूछे। मेंटल एज है एंड दिस इज हार्मोनल एज, अलग अलग अंगों की एजिंग अलग अलग होती है। कहना नहीं होगा कि आपके शरीर के अंदर जो आरबीसी दौड़ रही है, खून जो घूम रहा है, उसकी उम्र 120 दिन ही होती है। इन बालों की उम्र 40-45 दिन होती है, कट के फेंक देते हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। नेल्स की उम्र मान लो 30 दिन होती है, काट के फेंक दिए, वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। इसी तरह बॉडी के अंदर भी ऑटोमेशन पर जिन जिन अंगों की उम्र जब जब खत्म हो जाती है, दे डाई, दे डीके, दे डीजनरेट। सुबह से शाम तक जब आप मैल उतारते हैं तो चमड़ी की कोशिकाओं की उम्र 27 दिन होती है, इसलिए जो सब कुछ उतरता है वो मैल ही नहीं होता, डेड स्किन भी होती है। तो किन्हीं किन्हीं की चमड़ी की उम्र 27 दिन हुई होगी तो उग्लो कर रहे होंगे, लेकिन सारी स्किन एक ही दिन में एजिंग नहीं होती, इट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। अगर ये कहा जाए कि डेथ एंड लाइफ इज एवरीडे जॉब इन आवर बॉडी, तो आपका एहसास बिल्कुल सही है, आप अमर हैं, आपका ये जो प्रोसेस है ये रोज का चल रहा है। डांसिंग के अलावा कुछ और एक्टिविटीज हो सकती है जो हमारे ब्रेन को रीजेनरेट करेगी। डांसिंग आप करने बहुत अच्छा, उत्सव है, रीडिंग बुक्स, राइटिंग सम स्टोरीज, आपका जो जलसा होता है एनुअल उसको देखते ही बनता है। जब हम पहली बार आए पति जी के साथ में तो यहाँ पता चला वैलेंटाइन डे पर आपने अच्छे अच्छे युवाओं को धूल चटा रखा तो मैं 16 की एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, स्टोरी पास होगी, ये बिल्कुल इमेजिनरी स्टोरी है, ये एज को रिवर्सल करने वाली स्टोरी है, पर हम इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे वॉलंटियरली। सपोज करिए किन्हीं एक से स्टार्ट करते हैं, 16 की उम्र है, स्कूल से भाग के आप बगीचे में अपने प्रियसी के प्यार में चक्कर काट रहे हैं, आप एक सेंटेंस बोलेंगे, कहानी दूसरे को पकड़ा देंगे, इट इज लाइक ए रिलेरियस, और बस इसी प्रेम कहानी का हम आगे करते हैं। जी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आपने कहा था 16 का उम्र आपने तो मेरे को ही पकड़ लिया उम्र 16 साल की। जी क्या? आप कहानी एक्सप्लेन करिए सबको, जैसे हम सब सुन रहे हैं। हाँ। दोस्तों मैं बगीचे में गया था, मैं सुबह सुबह टहलने गया। हाँ वहां देखा, क्या देखा,
एक सुंदरी 16 साल टहल रही है अपना टहल और भी आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया और पड़ोसी के पास पहुंच गया जी आप अपन के रोल में आ जाएंगे काफी आगे बढ़ गई एक लाइन उनको देखते ही मेरा दिल धक धक करने लगा आपका नाम क्या है हाँ तो शर्मा के जल्दी आगे बढ़िए आगे बढ़िए बहुत आते हैं आप जैसे क्या कह रहा भैया कलैया थामना बंधन को निभाना ओके ओके गाने चल रहे थे अब कहानी यहाँ बच गई है पापा मारेंगे पापा मारेंगे बेसिकली जब हम ये प्रीटेंड कर रहे थे तब ये बड़े मैच्योर वर्ड थे इसकी जो सेकंड स्टेज हो सकती थी वो ये हो सकती थी फील व्हाट यू आर टेलिंग वो महसूस करिए जो आप बोल रहे हो जो बोल रहे हो वो महसूस करिए जो आप बोल रहे हो क्योंकि बिना महसूस ताके हार्मोन सीक्रेट नहीं होते और इसकी जो थर्ड स्टेज होती है वो ये होती है वैसा जिए जो आप बोल रहे हो जो बोल रहे हैं वाह इसका मैं ब्रीदिंग के साथ जोड़ के एक मेडिटेशन आपको करवाता हूँ ये बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है जो आपने डांस किया कुछ कुछ उससे ही जुड़ा हुआ है आपकी उम्र में सूट भी करेगा कि द बेस्ट वे टू बी एवर हैप्पी इज दुआएं दो दुआएं लो दुआएं दो दुआएं लो प्यार दो प्यार लो सेंटेंस एक ही है इसकी ये तीनों फेज करेंगे हम मेडिकली जो फेजेस हैं पहली फेज सिंपल ड्राई लॉजिकल विजडम वाली एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज विद इमोशंस प्यार दे रहे हैं तो वो फील आ रहा है प्यार मिल रहा है तो फुलफिलमेंट आ रहा है और थर्ड होगी लिव लाइक दैट तो इसके लिए भी हमें दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे नहीं तो ये एक्सरसाइज अधूरी होगी क्योंकि आपके सामने दो ही लोग हैं तो मेक ए ग्रुप ऐसे ऐसे खड़े हो जाएं आधे इधर जी एक्सरसाइज एक जब मैं बोलूंगा तो आप ऐसे जैसे दुआ देने पर हाथ ऐसे ही उठते हैं ना दुआ देते ऐसे ऐसे आशीर्वाद आशीर्वाद है और उसके बाद में जब आपको मिल रहा हो तो दिल में भर लिया अब इसको हम बहुत धीरे धीरे करते हैं जैसे आप चाहो तो सिंपल किसी पहलवान द्वारा सिखाई हुई
Now mix some emotion into it. आप सच में आंख बंद करके फील करिए कि जो भी डिप्राइव्ड है, जो भी आपसे प्यार की उम्मीद रखते हैं, उन सबको आप दिल से प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, बहुत आराम से दे रहे हैं. Take your own time and I am looking at your faces. ये फीलिंग आनी चाहिए आपके चेहरे पर. और जब मैं दो बोलूं तो उन सब की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है. दोनों हाथ अपने पास लाते हुए दिल को प्यार से भर लीजिए. हिंदुस्तान में सफलता की बजाय जीवन की परिपूर्णता ही लक्ष्य है. आशीर्वाद दीजिए. श्वास बाहर छोड़ते हुए दुआएं लीजिए और चेहरे पर तृप्तता का भाव आना चाहिए. यू हैव लिव्ड ए लाइफ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ अटैचमेंट. I tell you, जवान पीढ़ी को समझाना बड़ा कठिन हो रहा है. मैं जल्दी से कमा लूं, अपना कैरियर सेट कर लूं, इस चक्कर में लड़कियां 35 और 40 तक शादियां नहीं करती. जिन्होंने शादियां कर ली हैं वो एक से ज्यादा संतानें पैदा नहीं करते, एक का ही खर्चा नहीं होगा. जो दो भी प्रोफेशनल होके शादी कर लिए, देश विदेश लाखों करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं, उनका भी कहना यही है कि बाहर नहीं पड़ रहे. Who is rich and who is poor? A very simple definition is, जिसके खर्चे जिसकी आमदनी से ज्यादा है poor. जिसके खर्चे आमदनी से कम है वो rich. And it is very equally applicable है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पे बड़े. तो इसमें माइंड मेडिसिन क्या हुई? माइंड मेडिसिन ये हुई कि अब WHO भी ये कहता है कि भूल जाओ कि बीमारियां मच्छरों के काटने से होती है, भूल जाओ कि हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से होता है, भूल जाओ कि डायबिटीज शुगर से होता है. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजीज स्टार्ट एट द थॉट लेवल. यस,
Now WHO has given a theory for it. That diabetes not start with insulin. It is something about this. It starts from the gut. Pets start. Yes. और पेट में भी किस हार्मोन का उन्होंने नाम बताया, उसका नाम है इनक्रेटिन. पर पेट से पहले भी जो भारतीय साहित्य कहता था, वो कहता था ये लोब से स्टार्ट होता है. लोब से, लोब थोड़ा और संग्रह करूँ The glucose becomes more additional. चीनी जमा कर ली. गाना बजता रहता है ना अंदर, चीनी कम है. So things start at the level of psycho. They later on present on soma. Soma मतलब body. इसलिए इन बीमारियों को कहा गया psychosomatic disease. इसका एक लैग ये भी है कि बीमारी स्टार्ट होती है इस जेनरेशन में, इस जेनरेशन के भी पहली जेनरेशन के दिमाग में पैदा होती है पोते में. दिस विल बी समथिंग अमेजिंग लाइक जेनेटिक इंजीनियर. इसको कहते हैं ट्रांस लाइफ डिजीजेस. आयुर्वेद में तो इसमें पूरे पूरे चैप्टर है. इसके दादाजी तेल की चोरी करते होंगे, इसलिए होने वाली संतानों को टीबी हुआ. इनको हिंदी में कहते हैं जन्मांतरीय बीमारियां, अंधता. ये ज्ञानी रह के भी किसी को पढ़ाते नहीं थे, इसलिए अंधे हो गए. जन्मांत कर्मा रिलेटेड विद द डिजायर्स एंड थिंकिंग. तो ऐसी बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं. वापस अपने डांस पर आ जाते हैं. सब बातों को बुलाने का एक ही तरीका है, गो एंड डांस लाइक नोबडी इज वाचिंग यू. तभी आप बड़े अच्छे अच्छे स्टेप कर रहे थे जब आपकी आंखें बंद थी. जैसे आपने आंख खोली और पता, डांस विद योर इमोशंस. आप सोले के हैं तो सर सोले की तरह करिए और फिजिकल बॉडी जितना अलाउड करती है उतनी देर तक डांस करिए, उतनी देर तक डांस करिए कि आखिरी में मौन धारण हो जाए. जब आप मौनत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यू बिकम ए गॉड, यू बिकम योरसेल्फ सेंट. आज के लिए इतना ही काफी है. थैंक यू.